मॉर्निंग नमस्कार, मैं विजय एस एम शर्मा बोल रहा हूँ और मैंने 33 इयर्स आर्म फोर्सेस आर्मी में सर्विस की है और ये 33 इयर्स जो है हमारे बड़े रोमांचक और एडवेंचर और देश की सेवा में बॉर्डर रीजन में भी संघर्ष करने के मुझे अवसर मिला है। उसके साथ ही 33 साल फौज के साथ रहे, आर्मी के साथ रहे, उनके साथ इन्फेंट्री इंजीनियर्स सिग्नल्स जितने आर्म्स हैं और सर्विसेज उनके साथ काम करने का मौका मिला है। और एज ए सर्जन और मेडिकल ऑफिसर हमारी फौज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना और ऐसी दूरम स्थानों में जाना बॉर्डर रीजन्स के अंदर, उसका हमें बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा हमें जिसको कहते हैं कि एक उत्साह होता था और उसके साथ ही हमें एक जिसको कहते हैं कि मोटिवेशन मिलती थी। और उसके साथ ही जो हमारे मेन एडवेंचर होते 85-87 जब सियाचिन का युद्ध शुरू हुआ उस टाइम रिमोटेस्ट पार्ट इन ओवर अवेली का, तो वहाँ पे -20-15 डिग्री में हम लोग ऑपरेशन किया करते बड़ी, लेकिन वो जवानी के दिन थे और इसलिए बड़ी अच्छी तरह से हमने उसमें काम किया देश के लिए। और उस दौरान हमने एक भी व्यक्ति को उसकी जान से मतलब भाग नहीं होना पड़ा, शहीद नहीं हुआ या उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, चाहे वो फ्रॉस्ट बाइट हो या चिल ब्रेंस हो, हाई एल्टीट्यूड पर्मनेंट एडिमा हो या सेरेब्रल एडिमा हो या चोट लगी हो या इंजरीज हुई हो, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में 99 में जब कारगिल की वॉर शुरू हुई तो उसी एरिया के अंदर जो है मुझे मौका मिला जवानों की सेवा करने का, देश की सेवा करने का। उसमें भी जितने पेशेंट हमारे पास जीवित आए तो उनमें से किसी की भी जान नहीं गई। और उसके साथ ही उसके बाद फिर तीसरी पोस्टिंग मेरी लद्दाख में भी 99 के बाद में 2000 साइड स्टेपिंग उसको कहते हैं। और कई बार ऐसे मतलब हमें एडवेंचर का मौका मिला जिसमें कि काफ़ी शरीर की हानि भी हो सकती थी, जैसे एवलॉन्च प्रोन एरिया के नीचे से जाना हो 24-25 घंटे के बाद हम उसमें से निकले। एनीवे मुझे फौज की बहुत याद आती है और आनी चाहिए। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्लीटेड और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मुकाबले का दुनिया में और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता। वो आपको हर चीज़ सिखाते हैं फौज के अंदर, ऑफिसर को अधिकारी को कैसे आपने मिलिट्री ट्रेनिंग करनी है, कैसे देश की सेवा करनी है, कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। आपको लॉ भी पढ़ाया जाता है, आर्मी एक्ट एंड रूल्स, इसलिए आपको हर चीज़ के फैसले करने पड़ते हैं। खैर, ये सारी बातें तभी संभव हैं अगर हम लोग जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि हमारे हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने शरीर को, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, उसको ठीक रखना है, यानी कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, अपने शरीर को ठीक रखना है। अगर हम सभी लोग अपने शरीर को ठीक रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तभी देश की रक्षा कर पाएंगे, तभी दूसरों की भलाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक स्वस्थ राष्ट्र को चाहिए स्वस्थ युवक नागरिक, ताकि वो दूसरों की भलाई कर सके और अपना भी भला कर सके। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको आज कुछ व्यायाम, छोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे वो नागरिक जिनको कभी एक्सरसाइज करने का, व्यायाम करने का मौका नहीं मिलता है, वो इसकी तरह मोटिवेट हो। चाहे पहले अगर आपने कभी एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं किया है, 10 मिनट शुरू कीजिए, फिर 15-20 मिनट, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। जो देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो हमारी सेना स्वस्थ होगी, हमारी तरफ कोई भी दुश्मन या जो जिनकी हमारे प्रति अच्छी धारणाएं नहीं हैं, हम उनको अपने ऊपर हावी नहीं करने देना चाहिए उन लोगों को। और अपने देश की रक्षा के लिए ये आपका कर्तव्य है कि आप जितना हो सके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, चलना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है और नपातुला भोजन करना बड़ा आवश्यक है। ये नहीं कि हम लोग बेहिसाब और जिसको कहते हैं कि कैलोरीज इतनी लें, इसकी ज़रूरत ना हो, आपके शरीर के ऊपर चर्बी डालेंगे और साथ में सेंट्रल एब्डोमिनल ओबेसिटी बड़ी ख़तरनाक होती है चर्बी पेट की, जो है क्योंकि पेट की जो चर्बी होती है जो पेट के अंदर है, एब्डोमिन के अंदर है, उससे फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, वो लीवर में जाते हैं
और जब हम एक्सरसाइज या चलते हैं कोई भी काम करते हैं तो मसल्स में ये फैटी एसिड्स फ्यूल का काम करते हैं और ग्लूकोज जो है जिसको ये काम करना चाहिए वो शरीर में हमें जमा रहती है और उसकी वजह से शुगर, मधुमेह या डायबिटीज़ हो सकती है। तो इन शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि हल्की फुल्की छोटी मोटी एक्सरसाइजेस हैं जो फौज में भी करवाई जाती हैं और ये कई बार जो हमारे 6 दर्शनों में से एक दर्शन योग का है, न्याय का है, वैशेषिक का है, सांख्या है, मीमांसा है, वेदांता है और अंत में योग। योगा भी जो है ये एक हमारे जीवन की, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बाहर टहल नहीं सकते या एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो घर में बैठ के छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। शब्दों के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ आज की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए वो है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है आप सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए, पहले एक नॉस्ट्रिल से फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा इस एक्सरसाइज को, प्राणायाम को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप जितनी बार दिन में कर सकें उतना अच्छा, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 2 2 3 3 मिनट के लिए उसको कीजिए। इससे आपकी जो ऑक्सीजन जो है सेचुरेशन वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो जो हम ब्रेथ होते जाते हैं उससे हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती जाती है। इसलिए लगभग हमें इसके अगर 100% में कम से कम 98% तो लाना चाहिए। तो आइए ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। आप इसको देख सकते हो, आप इसको, कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप इसको नहीं जानते, सब लोग इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन एक तरह से ये मोटिवेशन होगी, आप फॉलो कर सकते हैं और इसको कर ही सकते हैं। इसके लिए आप समय निकालिए, शुरू करें। मुझे देखिए, सांस अंदर लीजिए, रोकिए और फिर उसको सांस को बाहर निकालिए, फिर सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर निकालिए, सांस को रोकिए। जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और फिर अपने स्फिंक्टर्स को ऊपर उठाइए। ये पेरिनियल एक्सरसाइज में हो जाएगी, विशेषकर महिलाओं को जिनको बच्चा होने के बाद में कई बार पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं ढीली पड़ जाती हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी। यानी कि आपने सांस को बाहर निकाला, सांस को रोका और फिर एब्डोमिन को ऊपर खींचा, स्फिंक्टर्स को ऊपर खींचा और फिर एब्डोमिनल मसल्स को, पेट की मांसपेशियों को अंदर बाहर किया। उसके बाद फिर सांस लीजिए लंबा लंबा, और 10 15 मिनट के बाद इस एक्सरसाइज को कीजिए आप। उसके बाद हम आईज से शुरू करते हैं, आँख से। जब आप आईज की एक्सरसाइज करते हैं विशेषकर शुगर की बीमारी में, डायबिटीज़ में, हमारा जो विजन है, हमारी जो दृष्टि है वो कमज़ोर होती जाती है और इंसान में व्यक्ति बार बार उसको चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आँखों की एक्सरसाइज हम करते हैं। सबसे पहले आप दूर की तरफ देखिए फिर नज़दीक की तरफ, ये पहली एक्सरसाइज। आप अपनी फिंगर को, दाएं हाथ की उंगली को अपनी नाक की सीख में लेके आइए, उस पर नज़र डालिए और फिर दूर पीछे जितना दूर हो सकता है आप देखिए उसको और फिर उसको नज़दीक लाइए। दूर देखिए और फिर अपनी नज़र को नज़दीक लाइए और ये करते रहिए आप। दूर देखिए, नज़दीक लाइए, दूर देखिए, नज़दीक लाइए, बहुत दूर देखिए पीछे और फिर उंगली की तरफ अपनी नज़र फोकस कीजिए, बहुत दूर देखिए पीछे फिर लाइए इधर। उसके बाद फिर लंबा सांस लीजिए, आंख की दूसरी एक्सरसाइज है बिना मसल्स को, ऑक्यूलर मसल्स को स्ट्रेन किए हुए आप अपनी आंख के ग्लोब को जो है घुमाइए चारों तरफ, पहले ऊपर फिर अपनी बाईं तरफ फिर नीचे फिर दाईं तरफ,
यानी एक सर्कल में ग्लोब को आप मूव कीजिए, लेकिन उस आंखों के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। मुझे देखिए, मैं थोड़ा नजदीक आता हूँ, आप मुझे देखिए। अपोजिट डायरेक्शन में आपकी जो आंख है वो घूमनी चाहिए। उसके बाद में हम नेक एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं, गर्दन की एक्सरसाइजेस। यहाँ पे हमारे सर्वाइकल स्पाइन होता है और जितने वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे शरीर से ऊपर की तरफ जाते हैं, वो गर्दन में होते हैं। उन लोगों को जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उनको सर्वाइकल एक्सरसाइजेस बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। उन लोगों को जिनको डिस्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, डिस्क प्रोलैप्स है, रूट कंप्रेशन है, या गर्दन से गर्दन इस तरफ आ रही है, दाई तरफ या बाई तरफ, तो उनको सावधानी इसमें बरतने की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए एक्सरसाइज जो है इतनी काफ़ी रही कि वो अपनी गर्दन को घुमाएं, पहले दाई तरफ फिर बाई तरफ, दाई तरफ बाई तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पीछे, दाई तरफ बाई तरफ, राइट साइड लेफ्ट साइड। लेकिन जिनको स्पॉन्डिलोसिस है वो गर्दन को आगे ना लेके जाएं। जिनका स्पाइन नॉर्मल है, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में भी है, गर्दन की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी मसल्स को बिना स्ट्रेन किए हुए घुमाएं, जैसे कि मैं घुमाने जा रहा हूँ। रुकिए, उसके बाद फिर से लंबा सांस लीजिए। सांस रोकिए, स्फिंक्टर्स को ऊपर खींचिए और एब्डोमिनल मसल्स को अंदर बाहर लेके जाइए, इससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स जो है वो मजबूत होंगे। इससे आगे बढ़ें, उसके बाद में अपर लिम्ब्स की एक्सरसाइज करें। लिम्ब एक्सरसाइज विशेषकर उन लोगों को जिनको शोल्डर पेन है या एल्बो का पेन है, या जो गेम्स खेलते हैं जैसे टेनिस खेलते हैं या गोल्फ खेलते हैं, तो उनको अक्सर टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो होती है, उसके लिए भी थोड़ी ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी लाभदायक है। हाथों को आगे लेके जाइए, इसको पेंडुलम एक्सरसाइजेस कहते हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए अच्छी हैं जिनके शोल्डर्स में पेन है या फ्रोजन शोल्डर है, उसमें इस तरह से वो कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको करते रहिए और प्रतिदिन आप करेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स को अच्छी होनी चाहिए, और धीरे धीरे इनको ऊपर लेके आइए, दोनों बाहों को ऊपर तक लेके आइए। फिर सांस लीजिए लंबा लंबा, सांस बाहर निकालिए। उसके बाद में अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट्स है, जो रेंज है मूवमेंट्स का, उसको आप बढ़ाते जाइए। जिन लोगों ने ACC या NCC में भाग लिया है या ट्रेनिंग ली है, उसमें जिस तरह की आप दिल्ली में रिपब्लिक डे में परेड में देखते हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ आप अपने हाथों को आगे और पीछे लेके रहिए। फिर सांस लीजिए, अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, मैं दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने लेके आइए इस तरह से, और उसके बाद काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 1 2 3 4 जितना आप इसको कर सकते हैं कीजिए। इससे आपकी जो पेक्टोरिस मसल्स हैं और ये छाती की मसल्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे। फिर से सांस लीजिए लंबा लंबा। नेक्स्ट साइज अपर लिम्स की, भुजाओं की, हाथों को फिर यहाँ पे लेके आइए सीधा। उसके बाद दाएं तरफ बाएं तरफ आपके पांव स्थिर होने चाहिए। घूमिए, कमर को घुमाइए। यह कमर की एक्सरसाइज है। जो फैट आपकी कमर के ऊपर है, हो सकता है कि लगातार प्रैक्टिस में इसमें कुछ भी कमी आए। एक्सरसाइज के साथ साथ भी आपने खाने पर भी अपनी ध्यान देना है कि कोई ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपका वजन बढ़े। आप एक्सरसाइज को करते रहिए। उसके बाद में फिर सांस लीजिए। अगली एक्सरसाइज है, दाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाइए और अपनी कमर को बाईं तरफ मोड़िए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपने करनी है, अपने दोनों हाथ को पीठ के पीछे मिलाइए इस तरह से। व्यायाम करने से एक तो आपका मन मस्तिष्क अच्छा रहता है, आपके फ्रंटल लोब्स उसको राहत मिलती है। 24 घंटे हम कुछ ना कुछ जब भी जागते रहते हैं सोचते रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज या उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमारा दिमाग जो फ्रंटल लोब्स हैं उसका काम है डायरेक्शन देना, सुनना, सोचना, विचारना। और ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ये सेरिबेलम का काम है। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूरोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन के बाकी हिस्से, दिमाग के बाकी हिस्सों से ज़्यादा इसमें न्यूरोन्स होते हैं, एक्शंस होते हैं। और सेरिबेलम जो है आपकी मसल मूवमेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ, इसकी कोऑर्डिनेशन, इसके पॉस्चर और इसको बैलेंस को इम्प्रूव करता है। और जितना जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, उतना आपका सेरिबेलम मजबूत होता जाएगा। सांस लीजिए लंबा लंबा, अंदर बाहर। उसके बाद में बैलेंसिंग एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। दाएं हाथ से और बाएं हाथ से आप किसी भी स्पोर्ट को ले सकते हैं धीरे धीरे, और फिर वो आप धीरे धीरे जो है आपके पास में इतना बैलेंसिंग हो जाएगी कि आप एक पांव पर खड़े हो सकते हैं। आगे को झुकिए, दूसरी टांग पे खड़े हो जाइए। जिस तरह से भी हमने बैलेंस किया है ये काम है, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इससे आपका जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम वो मजबूत होगा एक्सरसाइज करने से। यानी कि अगर आप एक टांग पे खड़े हो सकते हैं, यानी कि आप जो काम करना चाहे ठीक ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि मैं हाथ को उठा रहा हूँ, मैं कहूँगा ऊपर से डायरेक्शन मिलती है मुझे फ्रंट लोब से, कॉर्टिकल एरिया से, हाथ ऊपर उठाओ, ये तुरंत कार्रवाई हो गई, डायरेक्शन कहीं और से मिली और काम सेरिबेलम ने किया। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हम लोग अपने शारीरिक व्यायाम की तरह जितना हो सके
अपने मन को जरा स्थिर रखें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, उससे आपकी जो जिसको कहते हैं दिमाग की जो शक्ति है वो इम्प्रूव करेगी। उसके बाद में अपर लिम्स की मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, कुछ हाथ की एक्सरसाइज भी, जैसे सर्जन लोग हैं या इनको हाथ का काम करना पड़ता है, हैंड मूवमेंट्स उनके लिए बहुत आवश्यक है। ये आप क्या कर रहे हैं, ये टेंडन्स और जो मसल्स हमारे हाथ के हैं जो बारीक बारीकी का काम करते हैं उसको स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद में जैसे कि सर्जरी में हम लोगों को रिस्ट मूवमेंट भी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर भी रिस्ट मूवमेंट होनी चाहिए, तो रिस्ट की मूवमेंट भी आवश्यक है ताकि अपना काम आप ध्यान से कर सकें। अगर आप ये मूवमेंट ठीक ढंग से कर पा रहे हैं इसका मतलब आपके दिमाग की स्थिति बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूँ मुझे अपना नाक पकड़ना है तो नाक पकड़ लिया मैंने अपना, लेकिन अगर मेरा सेरिबेलम ठीक काम नहीं कर रहा तो मुझे चलते हुए हल्के हल्के से जो है बैलेंस बिगड़ेगा, चाल ढीली सी होगी जैसे शराबी की चाल होती है। उंगली को नाक पे लगाना है तो नाक में लगाते 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 इधर चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेरिबेलम जो है वो ठीक स्थिति में नहीं है। उसी तरह ये मसल्स मूवमेंट्स, इसको सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट करते हैं। चोट के बाद भी कई बार ऐसे होता है कि इसकी मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, इसको कहते हैं सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। इसको करने से आपकी रिस्ट मूवमेंट्स और एल्बो मूवमेंट्स जो हैं वो इम्प्रूव करेंगे। फिर से लंबा लंबा सांस लीजिए, सांस अंदर लीजिए, स्फिंक्टर्स को खींचिए ऊपर की तरफ और एब्डोमिनल मसल्स को अंदर बाहर कीजिए। शरीर को स्वस्थ रखना ये हम सबका एक कर्तव्य है और जिम्मेवारी, कर्तव्य और जिम्मेवारी को हम अपनी आदतें नहीं बदल सकते। कोई भी आदमी अपनी आदत बदलना चाहे बड़ी कठिनाई का काम है, नहीं बदल सकता, लेकिन उसके साथ अपने व्यवहार को पीछे को छोड़ने के बाद में आगे देखिए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन या अनुशासित रहेंगे तो आप अपनी ड्यूटीज, जैसे मैंने अभी कहा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीज़ें, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं धर्म की परिभाषा पढ़ रहा था कहाँ पे है, क्या है धर्म, क्या है धर्म, जैसे हम कहते हैं, हम नाम देते हैं धर्म, धर्म की दो जगह मुझे परिभाषा मिली। मैं उन विद्वान आदमी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं, उन्होंने लिखा है अपनी किताब के अंदर ए कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअस लिविंग With duties and responsibility for the good of others and self, यानी कि आपको अपनी भलाई भी करनी है, दूसरी की भलाई भी करनी ही है। हम किस लिए जी रहे हैं, दूसरों की। आमतौर पर अपने व्यक्तिगत जीवन पर आप नज़र मारिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए आप क्या कर सकते हैं। दो वक्त का खाना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ थोड़ा सा घूम लिए या पिक्चर देख लिए या कुछ थोड़ा कोई खरीद लिया, लेकिन जो भी आप दिन भर में परिश्रम करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या समाज के लिए। इसलिए हमें ये बड़ा आवश्यक है कि हम अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ मैं कंपैरिजन जो है किसी के साथ, किसी को कंपेयर करना अच्छी बात नहीं, हमें कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला, उनको कोई देखे या ना देखे, सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करते रहे। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे लोग आएंगे अपने दफ्तर में, बड़े बड़े अधिकारी, अगर टेबल साफ नहीं है तो पहले अपना वो टाई कोट वगैरह खोल के वो साफ सफाई शुरू कर देंगे। यानी कि काम जो है एक तरह से धर्म है, जो आदमी काम नहीं करता है काम चोर है, दफ्तर में जाएगा 10 बजे 11 बजे, वहाँ पे वो सेलफोन पे शुरू हो जाएगा, जनता के काम नहीं करेगा, करेगा तो लोगों से रिश्वत मांगेगा या कुछ कंसिडरेशन पूछेगा। वो कई देश ऐसे हैं जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं कि उनको ज़बरदस्ती बाय फोर्स छुट्टी पे भेजा जाता है। तो हमें सबसे पहले अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। जो आदमी अनुशासित है, डिसिप्लिन में रहता है,
अपने धर्म यानी कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के प्रति काम करता है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अपने शरीर की तरफ जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। अगले एक्सरसाइज हम करेंगे, ये उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो समय की कमी है। अपनी दोनों टांगों को हिप में और नी में फ्लेक्स कीजिए, जितना हो सकता है आप उसको ऊपर लाइए। लगातार इसको करते रहिए। चलना हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी और एक्सरसाइज है। अगर हम चलेंगे नहीं, हमारा फुट और एंकल पंप होता है। फुट और एंकल पंप का मतलब यह है कि जब हम चलते हैं, हमारा स्टेप नीचे पड़ा तो हमारी जो खून की नली है उसके अंदर 200 mm मर्करी यानी कि 200 mm का प्रेशर बैठता है, और हमारे दाई तरफ का जो है राइट एट्रियम उसका प्रेशर कम होता है, 5 mm या 10 mm के करीब। 200 mm नीचे है तो नेचुरली खून नीचे से ऊपर आएगा। जब हम चलेंगे, लोअर लिम की मूवमेंट करेंगे, तो हमारा खून नीचे से ऊपर आएगा दिल की तरफ, और दिल का खून जो है कार्डियक आउटपुट वो इम्प्रूव होगा, ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होगी, हमारा दिल मजबूत होगा। लेकिन जो आदमी बिस्तरे में बैठ के खाता रहेगा, टेलीविजन देखता रहेगा, कुर्सी में बैठा रहेगा, तो उसका दिल भी कमजोर होगा, उसकी चर्बी भी बढ़ेगी, उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, उसको डायबिटीज भी होगी और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो इस एक्सरसाइज का मतलब है कि हम फुट और पंप एंकल पंप को मजबूत कर रहे हैं और खून जो है हमारे शरीर में ठीक दौरा करेगा। लेकिन जिन लोगों को वेंकोस जिनसे नसें खुली हुई हैं, ऐसे लोगों को ये एक्सरसाइज अंडर मेडिकल सुपरविजन करनी है, नंबर एक। और दूसरा, उसमें आप इलास्टिक स्टॉकिंग्स लगा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों को इनवाइल हर्निया है, हर्निया की शिकायत है, उनको भी एक्सरसाइज सावधानी से करनी चाहिए। सांस अंदर बाहर लीजिए। जब हम सांस लेते हैं गहरा गहरा सांस, हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हो जाता है और खून नीचे से ऊपर आता है और राइट साइड में पंप होता है, और जो साफ खून है हमारा वो फेफड़ों से दिल की बाईं तरफ जाता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके बाद में दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और स्पाइन को एक्सटेंड कीजिए। मानव शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप जो आपकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है, जो लिमिट से उसके अंदर एक्सरसाइज कीजिए। इस शरीर को आपने अच्छी तरह से रखना है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर कोई जीव, कोई आत्मा का वास होता है, और कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे घर में शायद नहीं रहना चाहेगा जो उसके रहने लायक नहीं, यानी कि साफ सुथरा ना हो, ठीक ना हो। ये जरूर है गरीबी की वजह से चाहे इंसान को घास की झोंपड़ी में रहना पड़े, लेकिन वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। कपड़े अच्छे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये जो शरीर है ये किसी के रहने की जगह है। हर एक आदमी चाहेगा उसका घर अच्छा हो, तो आप भी अपने घर को शरीर को अच्छा रखिए, और अच्छा रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है और ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। और दूसरा, आपने ये भी कोशिश करनी है कि जिस तरह की बीमारियाँ आजकल चल रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी है, कोई भी बीमारी है, उसको आप उसके ऊपर नज़र रखें। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में मैं आपकी तरफ फॉर्म नहीं करना चाहता हूँ, तो आप अपने लोअर लिम्स दाएं टांग को सीधा ऊपर उठाइए।
उसी तरह से अरे राई काम को फिर बाई काम को धीरे धीरे रेंज ऑफ मूवमेंट इम्प्रूव होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को कीजिए, लंबा सांस लीजिए, उसके बाद एरोडायनेमिक्स एक्सरसाइज अगर आप थोड़ा भाग सकते हैं। रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। स्विमिंग, साइकिलिंग, साइकिल चला सकते हैं। उन लोगों को जिनको व्यायाम की आदत नहीं है, थोड़े पहले कुछ दिन तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे आपका 100 kg वेट है, अगर आप इसको 20 kg कम करते हैं 1 साल के अंदर, तो आप कम से कम अपनी आयु को 10 वर्ष बढ़ा रहे हैं। अगर आप डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, तो आपको इंसुलिन और एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, उसकी कम जरूरत पड़ेगी, उसकी मात्रा कम होती जाएगी। जितना वजन बढ़ता जाएगा आपका, उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी आपकी। जब आप चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, तो जो शुगर है वो मेटाबॉलाइज होगी, आपकी मसल्स के अंदर जाएगी। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। फ्री फैटी एसिड जो है वो सेकेंड ग्रेट एनर्जी सोर्स है, वो ग्लूकोज की जगह लेगा और ग्लूकोज आपके शरीर में भाग जाएगी। और डायबिटीज होने से आंखें कमजोर हो सकती हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, खून का संचार कम हो जाएगा और गुर्दे भी खराब हो सकते हैं और अल्सर भी हो सकते हैं पाँव में। उसके बाद उसको बढ़िए गोवा गेट्स ब्रेवरी। सांस लीजिए अंदर बाहर, आप इन एक्सरसाइज को ठीक ढंग से कर सकें, इसका मतलब आपका कार्डियक स्टेटस ठीक है। कार्डियक स्टेटस ठीक